The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों बात करेंगे आज एक बहुत जरूरी एस्पेक्ट की कि दुनिया भर में बहुत सारे लोगों को, यानी करीब बोला जाता है कि 1 करोड़ लोगों को अभी कोरोना वायरस हो चुका है, यानी प्रूवन टेस्टेड। और अगर हम बात करें तो इसमें 100 लिटरली, ये कोई अजीब बात नहीं होगी और मैं आश्चर्यचकित नहीं होगा अगर बात बोलें कि शरीर के अंदर जो अनडिटेक्टेड केसेस हैं उनको मिला के ये 50 करोड़ या 100 करोड़ भी हो चुका हो। इंडिया में ही जितने केसेस आपको MOH की वेबसाइट में दिख रहे हैं, कम से कम उसमें 15 से 30 गुना ज़्यादा, 50 गुना ज़्यादा को पेशेंट्स ऑलरेडी होंगे इंडिया के अंदर। सो केसेस होंगे का मतलब यह है कि आपको कोरोना हो चुका हो सकता है आपके अंदर ऑलरेडी कोरोना जा चुका है, हो सकता है आपको पता भी ना चले, हो सकता है आपके अंदर गया, आपके इम्यून सिस्टम ने लड़ा झगड़ा, आपको पता ना चला। कहने का मतलब क्या, घर में चोर आया अगर तो आपको दिखा, अगर चोर पकड़ा गया तब तो आपको पता चलेगा, वरना कभी कभी ऐसा भी होता है कि चोर आया, चोरी करके चला गया, आपको पता ही नहीं चला। आपको सिर्फ थोड़ी सी कमजोरी हो रही है, कुछ तंगी हो रही है, अरे पैसे पड़े थे, पैसे कहाँ गए यार, अब पैसे नहीं है। तो ये जो है घर में चोर आया और आपको पता नहीं चला, ये भी हो सकता है। और इसीलिए कई लोगों को केवल पोस्ट वायरल सिंड्रोम हो रहा है, पोस्ट वायरल फटीग हो रहा है, पोस्ट वायरल सिंड्रोम, थकावट, टायर्डनेस, एग्जॉशन, और पोस्ट वायरल जो थोड़े से खराश रह जाना, थोड़ी सी बुखार रह जाना, ये पोस्ट वायरल सिंड्रोम है। क्या है ये, इसके बारे में समझते हैं, इसको समझेंगे तो इसको डील कर पाएंगे। देखिए, नॉर्मली फटीग के ऊपर एक डिटेल वीडियो है उसके क्या क्या कारण है, लेकिन यहां पर फटीग हो रहा है पोस्ट वायरल, यानी ओवरऑल ऐसा है कि आप बहुत थके हुए हो, टायर्ड हो, एग्जॉस्टेड हो, और ये नॉर्मल है आप में से हम सभी को बीच बीच में होना, लेकिन कंटिन्यूअसली हो रहा है, वो भी वायरल इन्फेक्शन के बाद, ऐसे इन्फेक्शन के बाद, तो ये कई हफ्तों तक, कई महीनों तक रह सकता है एक वायरल इन्फेक्शन फ्लू के बाद। अब ये जरूरी नहीं है कोरोना ही हो, ये किसी भी वायरस के खिलाफ के बाद हो सकता है। इसी को हम पोस्ट वायरल सिंड्रोम फटीग कहते हैं। इसके साथ जो भी हुआ था, हो सकता है आपका सोर थ्रोट लंबे समय तक रहे, हो सकता है आपका माइल्ड फीवर, स्वोलन लिम्फ नोड, लिम्फ ग्लैंड्स, बच्चों में तो रहता ही रहता है ज़्यादा, दो तीन महीनों तक परेशान हो जाते हैं, सर ये जा नहीं रहा, रीइंश्योरेंस करते रहना पड़ता है बच्चों के माँ बाप का। कभी कभी सर दर्द रह सकता है पोस्ट वायरल, कॉन्सेंट्रेशन, मेमोरी प्रॉब्लम्स, या इवन माइल्ड ग्रेड ऑफ फीवर, आपका थर्मोस्टैट, बॉडी का थर्मोस्टैट रीसेट हो जाता है और वायरस के चलते कि भाई उसके लिए न्यू नॉर्मल हो जाता है कुछ 1-2 महीने के लिए या कुछ हफ्तों के लिए, जो कि फिर वो 9900 को नॉर्मल मान लेता, दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट वायरल सिंड्रोम। ये पोस्ट वायरल सिंड्रोम या पोस्ट वायरल फटीग, जिसको हम कभी कभी अगर लंबे समय तक रहने लग जाए, कभी कभी अगर तो इसको फिर क्रोनिक फटीग सिंड्रोम भी बोल सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है, टायर्डनेस है, कोई रीजन नहीं है, कोई वायरल सिम्टम नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे चाहे पोस्ट वायरल सिंड्रोम कहिए, ये कोरोना वायरस COVID-19 के साथ हो रहा है, ये पहले हुआ था कई सारे रुबेला वायरस, HIV वायरस, हर्पीज वायरस, एप्स्टीन बार वायरस, नील वेस्ट नाइल वायरस, इंट्रो वायरस, रॉस रिवर वायरस, इन सब से होता है। तो हर वायरस से हो सकता है, किसी भी टाइप के वायरस से हो सकता है। ये होता है घर में नुकसान के जैसा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके घर में, आपके आसपास थोड़ी सी माइनर सी छोटी मोटी बाढ़ आ गई, अगर आपके घर में बाढ़ आ गई और बाढ़ में आपके थोड़े बहुत चीजें, और बाढ़ ज्यादा दिन के लिए नहीं आई, 1 दिन के लिए आई, आई और चली गई, तो क्या होगा, घर टूट के बह जाएगा, जरूरी नहीं है, छोटी बाढ़ है तो घर के अंदर थोड़ा पानी जमा हो गया, जूते भीग गए, नीचे जो पड़े थे सब भीग गए, तो कुछ नुकसान वाली चीजें होंगी जो एक्चुअली नुकसान हो गई, राइट, कुछ होंगी जिसमें कोई नुकसान नहीं हुआ, कुछ होगा कि जिनके नीचे इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसका इलेक्ट्रिकल सर्किट टूट गया और वो लाइट चली गई। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि अब जब आपके घर से पानी निकल गया, जब आपके शरीर से वायरस निकल गया, तो उसके नुकसान रहते हैं,
और डिपेंडिंग अपॉन कितना गहरा नुकसान था, कितना बड़ा फ्लड था, कितना बड़ा आपके अंदर जो यह आया था उसके हिसाब से नुकसान रहेगा। जिसमें ज्यादा नुकसान हो गया उसमें ज्यादा सिम्टम रहेंगे, ज्यादा दिन तक रहेंगे, रिकवरी होने में, हीलिंग होने में, रिपेयर वर्क होने में समय लगेगा। इसी को कहते हैं पोस्ट वायरल सिंड्रोम, और इसके लिए कोई ट्रीटमेंट, खास ट्रीटमेंट यानी एंटीबायोटिक, एंटीवायरल की जरूरत नहीं है। आपको बेसिक डाइट की जरूरत है, ये एक रिस्पॉन्स है आपकी बॉडी का जो आपको फील होगा। प्रो, इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है आपका टेस्ट करते हैं तो प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइंस हाई निकल जाते हैं, नर्वस टिश्यू के अंदर कभी कभी इन्फ्लामेशन दिखता है, नसों के अंदर दर्द हो सकता है, न्यूरैल्जिया हो सकता है, पोस्ट वायरल न्यूरैल्जिया, पोस्ट वायरल। इस चीज़ को हमें डायग्नोस करने के लिए आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छे से लेनी होती है कि भाई आपकी हिस्ट्री में कहीं वायरल इलनेस था कि नहीं था, तो ये बहुत ज़रूरी है। और फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री, और कभी कभी कुछ टेस्ट से हम मेजर बीमारियां रूल आउट कर लेते हैं, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, और थायराइड प्रॉब्लम तो नहीं है, हाइपोथायराइड, डायबिटीज, अनीमिया, खून की कमी, आयरन डेफिशिएंसी, ऐसी चीज़ें रूल आउट कर ली तो हमें पता चल जाता है कि भाई ये और कुछ नहीं है, पोस्ट वायरल है। कई बार डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन रूल आउट कर ली। अब पोस्ट वायरल सिंड्रोम में आप पकड़ के डिहाइड्रेशन मिला दो, कि एक आदमी जिसको कोरोना हुआ अब वो पोस्ट वायरल सिंड्रोम में है, उसको थोड़ी थोड़ी खांसी, थोड़ा थोड़ा फीवर, थोड़ी थोड़ी कमजोरी, अब वो पानी भी नहीं पी रहा, वो डिहाइड्रेशन, उसके सिम्टम बढ़ गए, उसको लगा मेरा कोरोना वापस आ गया। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको अपनी गलती ढूंढनी है, आप नहीं ढूंढ सकते तो हम ढूंढेंगे, ये हमारा काम है, राइट। और इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें पोस्ट वायरल सिंड्रोम के लिए हम कभी कभी एक्सरसाइज स्ट्रेस टेस्ट, आपके हार्ट का टेस्ट कर सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वायरस ने आपका हार्ट कमजोर कर दिया इसलिए आपको ये सब वीकनेस हो रहा है। तो पोस्ट आपका इको, ECG, TMT या ट्रेडमिल टेस्ट, स्ट्रेस टेस्ट, ऐसे टेस्ट होना चाहिए। कभी कभी हम इंसोम्निया या स्लीप एपनिया मोटे लोगों में हो सकता है, उस केस में हमें स्लीप स्टडी करके देखनी है कि भाई ये तो नहीं कि स्लीप स्टडी का स्लीप एपनिया हो। तो पहले सारी चीजें रूल आउट करेंगे फिर बात करेंगे भाई ये यही है, ठीक है। तो एक बार ये पता चल गया तो इसका कोई स्पेशल स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, अपनी देखभाल करिए, बैलेंस्ड डाइट खाइए, 8 घंटे की, 7 to 9 hours की नींद लीजिए, पानी खूब सारा पीजिए, एक अच्छी मात्रा में लिटिल हाई कैलोरी फूड लेना है आपको, उसमें प्रोटीन ज़्यादा रखिए, हाई प्रोटीन, नॉर्मल कार्ब्स, नॉर्मल फैट, अलॉट ऑफ वाटर, अलॉट ऑफ वाइटमिन्स। यू नीड ओवर द काउंटर पेन किलर ले सकते हैं फीवर मैनेज करने के लिए, पेन मैनेज करने के लिए। आप योगा मेडिटेशन कर सकते हो, मसाज थेरेपी कर सकते हो, एक्यूपंक्चर कर सकते हो, एक्यूप्रेशर कर सकते हो, राइट। ये फ्रस्ट्रेटिंग है, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, मुझे पता है, तभी बता रहा हूँ, कई लोगों को होता है और मुझे भी फील हुआ है कभी ना कभी किसी ना किसी वायरल इन्फेक्शन के बाद। नोबडी इज स्पेयर्ड बाय दिस, एवरीबडी विल फेस दिस वंस इन अ वाइल अपनी जिंदगी में। तो याद रखो, अगर आप इससे गुजर रहे हो और आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आप डर जाओगे, घबरा जाओगे, आपको पता नहीं लगेगा, आपको कोई उल्टी सीधी दवा दे सकता है, आपको कोई लूट सकता है कि आपका ये खराब है, आपका वो खराब है, 2 महीने की दवा खानी, ये बनेगा, आपको हुआ कुछ नहीं, राइट। सो ये नॉलेज सबको दो, वीडियो जरूर 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 सबको शेयर करना है, इसको जरूर बहुत हेल्प होगी लोगों की, इसलिए हम ये वीडियो आपको इस बार दे रहे हैं। और इसकी रिकवरी जो है ये हर एक में वेरी करती है, डिपेंड करेगा नंबर वन कितनी बाढ़ आई थी, कितना बड़ा डैमेज हुआ था, नंबर टू आपके बॉडी के अंदर आपके कितना हेल्थ सिस्टम है, मतलब आपके घर में कितने पैसे पड़े थे बाकी जगहों पे, कि आपने पैसे कितनी जल्दी लगा के इसको ठीक किया अपने घर को, कितने हेल्पर है, कितने वो है। तो आपकी पूरी की पूरी एनवायरनमेंट मैटर करती है, जिनका अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट है, हेल्दी ऑरा है, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, जिनका वैसे ही स्ट्रेसफुल लाइफ है, नौकरी नहीं है, पैसे नहीं है, खाने को नहीं है, वो लंबे समय तक बीमार रहेंगे। सो अकॉर्डिंगली हर एक का एग्जैक्ट चीज नहीं बोल सकते, याद रखिए, लेकिन अर्ली डायग्नोसिस, जल्दी डायग्नोसिस हो जाएगा कि ये कोई और बीमारी नहीं है तो अच्छा रहता है, पता चल जाए तो हम आपका टेंशन खत्म हो जाता है, टेंशन सबसे बड़ा होता है, टेंशन खत्म हो सबसे अच्छा। पोस्ट वायरल सिंड्रोम, पोस्ट वायरल फटीग, बहुत लिंगरिंग काइंड ऑफ दिक्कत आपकी चलती रहती है, चाहे खांसी हो, बलगम हो, कुछ भी हो, इसके डरना नहीं है, इसके बारे में नॉलेज चाहिए, इसके बारे में शेयर करना है, टेस्ट करना नहीं करना ये डॉक्टर बताएगा, आपकी हिस्ट्री लेके एक डॉक्टर पकड़िए और उससे बात करें, अच्छा डॉक्टर होना चाहिए, वो जिम्मेदारी आपकी है, नॉलेज आपको हो वो जिम्मेदारी हमारी है, शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है। भाई साहब जो सारे के सारे भाई साहब बहन जी साहब के सब पे दरख्वास्त है, इस वीडियो को दबा के शेयर करिए, लोगों को जागरूक करिए। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।